संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के नरोली विस्तार में पिछले 21 दिनों पहले 4 साल के मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी थी। आज उसी मामले में 23 दिन के बाद दादरा एवं नगर हवेली के SP हरेश्वर स्वामी एक्शन मोड पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि आज दादरा नगर हवेली के पुलिस अधीक्षक हरेश्वर स्वामी खुद अपने पुलिस अधिकारियों के साथ कोर्ट पहुंचकर मुजरिम के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अगर कोर्ट ने भी अपना फैसला ताबड़तोड़ अंदाज में करती है तो दानहा में इतिहास यह पहली बार देखेगी कि किसी दरिंदे को फांसी की सजा होगी। तत्काल SP के एक्शन प्लान को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुजरिम के गले में अब फांसी का फंदा दूर नहीं है। 12 मार्च को जो इंसिडेंट नरोली में हुआ था, एक नाबालिग बच्चे के सेक्सुअल असॉल्ट करके इसका मर्डर हुआ था, इस सिलसिले में आज इन्वेस्टिगेशन हमारी जो एक इनफॉर्मली हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसमें सेक्टर सिलवासा पुलिस स्टेशन सुशोभाष्टेन PSI अनिल कुमार टीके PSI दिनेश पटेल और PSI छाया चंडेल जो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी है, उन्होंने आज वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया था। चार्जशीट आज रेडी थी तो हमने यहाँ पे कोर्ट में चार्जशीट देने के लिए आए हुए थे और ये भी रिक्वेस्ट कोर्ट को करने के लिए आए थे कि इस केस को, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किस्म का ये केस था, तो उसका जो ट्रायल है वो भी डे टू डे बेसिस पे चले, ये रिक्वेस्ट करने के लिए देखते हैं। आई हैव सेटेड आवर रिक्वेस्ट और जो भी पॉसिबल है तो उसमें कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस मामले में फुल प्रूफ तरीके का एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया है। हम भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा काम कर रहे हैं। अब पूरे ट्रायल के बाद ये पता चलेगा क्या इसमें आएगा।